You all hope you are fine. And you have done your work which was given, and you all are ready to learn more. Do ठीक है आप सब लोग? How are you all? Give me thumbs up reaction. Happy? Enjoy your work. Okay, and my voice is clear. Emma is very happy. Good. Good to see you all again. Very good. Okay. तो आज भी हमने बहुत इंटरेस्टिंग जो है हमारा टॉपिक है बुक में से हमने काम करना है, बहुत ही दिलचस्प है और आप सबको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सबने जो है उन सवालों के जवाब जो है मुझे जल्दी से बताने हैं, ठीक है। उन सवालों के जवाब आप लोगों ने मुझे देने हैं, फिर हम आगे काम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सवाल ये है कि आप जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ना जहाँ पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं। सबने मुझे चैट बॉक्स में आंसर करने हैं, आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक जो है फिर हम आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। घर, वेरी गुड, घर कहते हैं, शाबाश, वेरी गुड, आप सब तो बहुत एक्टिव बैठे हैं, वेरी गुड, शाबाश। और जो है आपको पता है कि हम सब तो जिनमें रहते हैं उनको घर कहते हैं, जो बड़ी बड़ी जो ऑफिस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑफिस बने होते हैं, और जहाँ पे हम जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं उसको क्या कहते हैं। ग्रोसरी करते हैं कि रोजमर्रा की संभाल की चीजें खरीद के लाते हैं आप लोग, उसमें आपके जो है मुख्तलिफ दालें होती हैं, चावल होते हैं, और उसके अलावा घर की और भी बहुत सारी जो है वो चीजें होती हैं जो आप खरीदते हो, तो उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं। जी शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब देना है, जहाँ से हम, जी यस, दुकान भी कहते हैं, मार्केट भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं। जी शाबाश, वेरी गुड, देखिए कितने कितने जवाब आ रहे हैं। और आपको पता है ऐसी जगह जहाँ से कि हमें खाने, जहाँ से हम खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, जब हम खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं। जी शॉपिंग मॉल जो होते हैं वहां पे तो हम जो है खाना भी खा सकते हैं, कपड़े भी खरीद सकते हैं, हर किस्म की चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है जी। नहीं जी, अच्छा अच्छा बेटा, जो होता है ना जहाँ से हम खाना खाते हैं उसको रेस्टोरेंट बोलते हैं, और जहाँ पे हम जाके किसी जगह हम बाहर जाते हैं और वहां हम जाके रहते हैं उसको होटल बोलते हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो अब हमने देख लिया कि हम तो घरों में रहते हैं और जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं वो शॉपिंग मॉल होते हैं, हम स्टोर से ग्रोसरी करते हैं, और हम जो है अगर हम सब्जी वाली शॉप पे जाते हैं तो वो उसकी वो शॉप होती है, और इसके अलावा हम जो है अपनी सारा काम जो है या अपनी चीजें हैं कहाँ से खरीदते हैं। तो इसी तरह हमने पढ़ा था नज़्म चिड़िया, और हमने उसमें पढ़ा था कि चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया कहाँ रहती है, कैसे घर बनाती है, और उसका जो घर होता है उसका क्या नाम है चिड़िया के घर का। जी चिड़िया के घर का क्या नाम था, घोंसला, वेरी गुड। तो आज जो हमने काम करना है उसमें हमने सिर्फ चिड़िया के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने आगे हमसे और भी जानवरों के बारे में बताया है कि और जो जानवर है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आपको पता है शेर कहाँ रहता है, शेर जहाँ रहता है उसको क्या कहते हैं, शेर जहाँ पर रहता है उसको क्या कहते हैं, शेर जहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जंगल में तो रहता है, लेकिन जंगल में तो बहुत से जानवर रहते हैं, और वहां पे उसका एक घर होता है, खास जगह होती है, जी रहन तो हो सकता है, घर तो है, लेकिन उसको उर्दू में क्या कहते हैं, कचार, कचार। अच्छा जी, परिंदों के घर जो है वो घोंसला होते हैं, ठीक है, जू में नहीं रहता है, जू में तो वो उसको रखा होता है ना हमारे एंटरटेनमेंट के लिए,
चलें जी, ठीक है। अब हमने जो है आज पढ़ना है, और मुर्गी कहाँ रहती है, मुर्गी के घर को क्या कहते हैं, मुर्गी के घर को क्या कहते हैं, मुर्गी के घर को क्या कहते हैं। ओके, दड़बा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा, नाउ यू ऑल कैन सी, आप सबके सामने है सवा नंबर 47 है, 47 से सवा नंबर। आज की आपने डेट लिखनी है और हम आज का काम करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, इन्होंने हमें कुछ जो है मालूमात दी है कि जानवरों का कौन सा घर जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। परिंदों जानवरों के घर होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। शेर के घर को कचार कहते हैं, गुलहरी और खरगोश जो है वो खूह में रहते हैं। आपको पता है कि जो दरख्त होते हैं, दरख्तों के अंदर जो है उन्होंने खोद खोद के जो है उसके अंदर वो अपना घर बनाया होता है। आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द, आपके अगर दरख्त होते हैं तो गुलहरी और खरगोश जो है वो उसके अंदर रहते हैं, उनको खोह बोलते हैं, ठीक है। कुछ परिंदे जो है वो पिंजरों में भी रहते हैं, ठीक है। जैसे इंसान जो है वो पिंजरे बनाते हैं, दड़बे बनाते हैं, तो खरगोश वो परिंदे जो है उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा परिंदे जो खुद अपने घर बनाते हैं, परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। सांप और चूहे के घर को बिल कहते हैं। आपको पता है कि जमीन के अंदर खोद के वो जो है वो बनाते हैं बिल, और उसके अंदर वो रहते हैं सांप और चूहे। और मुर्गी के घर को दड़बा कहते हैं, और दड़बा भी कौन बनाता है, इंसान बनाता है, ठीक है। तो दड़बे और पिंजरे इंसान बनाते हैं, जबकि घोंसला, कचार, बिल और खू जानवर अपने लिए खुद बनाते हैं। अब हमने जो है एक्टिविटी करी है, आप देख रहे हैं नीचे, आइए कौन सा घर किस जानवर या परिंदे का है, परिंदे या जानवर की तस्वीर को इसके घर की तस्वीर से मिलाइए। तो अब आप देखें ऊपर है पांच परिंद, पांच जो है वो जानवर हैं जिनकी तस्वीरें हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, और नीचे जो है उन्होंने पांच ही घरों की जो है वो तस्वीर बनाई हुई है। आप सबने पेंसिल हाथ में पकड़नी है और आपने जो है इसको मिलाना है, ठीक है। तो आपने मुझे नंबर बता देना है नीचे जो है, जैसे हम यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ गया, 1 2 3 4 5 हो गए। तो आपने जो है अगर खरगोश कौन से वाले घर में रहता है उसको हमने किसे मैच करना है, आपने उसका नंबर मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है। नाउ माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो पहले है जी, ये किसकी तस्वीर बनी हुई है, सबसे पहले तस्वीर बनी हुई है खरगोश की। खरगोश आप सबने देखा भी होगा, और आपको, मुझे तो ये पता है कि जो छोटे बच्चे उनको खरगोश बहुत पसंद होता है। आपको भी पसंद है खरगोश, देखा आपने कभी खरगोश को, देखा कभी आपने खरगोश को, नहीं देखा। आपके जो है आजकल तो बहुत सारे जो एरियाज में हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स की, एनिमल्स की शॉप्स हैं, और उसमें जो है वो उसको सेल कर रहे होते हैं। तो वैसे भी अगर आपने कभी कहीं जू में गए हो, या कुछ लोगों ने अपने घरों में भी पाले होते हैं खरगोश, भी लोग पालते हैं, तो आपने जो है उसको या डिस्कवरी चैनल पे तो देखा ही होगा, ठीक है। तो ये खरगोश की जो तस्वीर है, खरगोश कौन से घर में रहता है, अब आपने जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे उसका नंबर लिखना है। मैंने आपको बताया है कि इस तरफ से हम जो है वो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है वो जल्दी से बच्चों ने जो है जवाब भेजने शुरू कर दिए हैं। वेरी गुड, शाबाश, आप सब बहुत ध्यान से काम करते हैं जी, शाबाश, वेरी गुड। नंबर 3 जी, खरगोश और
गुलहरी किसमें रहते हैं, खो में रहते हैं। ये देखें, इसको हमने ऐसे यहाँ से इसके साथ मैच कर देना है। तो आपने क्या करना है, कोई स्केल अपने पास रखना है, उसके साथ आपने इसको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा के आपने इसको इसके साथ मैच करना है। शाबाश, वेरी गुड। अब आ गया जी परिंदा। तो परिंदा कहाँ रहता है, परिंदा कहाँ रहता है, ये तो हमने पढ़ा भी था। शाबाश, वेरी गुड, आप सबको याद है। वेरी गुड, जी, परिंदा कहाँ रहता है, शाबाश, वेरी गुड। परिंदा रहता है जी घोंसले में, हमने पढ़ा है। चिड़िया तिनका एक एक इकट्ठा करके चिड़िया और चिड़ा घोंसला बनाते, इसी तरह से सारे परिंदे। और अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो डिस्कवरी पे या एनिमल प्लेनेट पे, तो आपने देखा होगा कि सारे जो परिंदे हैं उनके घोंसलों की जो शेप होती है, साफ जो होती है, वो मुख्तलिफ होती है। मतलब हर कोई जो है वो अपने बहुत ज्यादा उसको जो है खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है जहां पे उन्होंने बने रहना होता है। ठीक है, तो नंबर 3 आ गया चूहा। चूहा कहाँ रहता है, चूहे भी आपने देखे होंगे, कभी कभी घरों में आ जाते हैं ना, भागते फिरते हैं यहाँ वहां, बड़ा मुश्किल से पकड़ में आते हैं जी। चूहा कहाँ रहता है, नंबर 5 बिल में रहता है। टॉम एंड जेरी भी देखा होगा, किसको टॉम एंड जेरी पसंद है। टॉम एंड जेरी में तो जो चूहा है वो तो बहुत ही क्यूट है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आप लोगों को पसंद है टॉम एंड जेरी वाला, जेरी जो है जी, नंबर 5 में चूहा बिल में रहता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है मुर्गी। मुर्गी कहाँ रहती है, मुर्गी भी देखी होगी आपके दिगे, बहुत से लोग घरों में मुर्गियां पालते हैं जी। नंबर 4 दड़बा, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, उसके बाद है जी शेर कहाँ रहता है, कचार में। शेर कचार में रहता है, यहां से हमने इसको यहाँ पे मैच करना। चीज अब हमने लगा दिया, खरगोश खूह में रहता है, परिंदे घोंसले में रहते हैं, चूहा बिल में रहता है, मुर्गी दड़बे में रहती है, शेर कचार में रहता है। ठीक है, तो आप सबका ये काम हो गया होगा। अभी हम लोगों ने ये काम कर लिया है, इसको बुक पे आपने रहने देना है, और हम जो है नेक्स्ट जो आपने पेज टर्न करना है, आगे हमने जो है एक और नया जो है वो सबक जो है उसकी रीडिंग करनी शुरू करनी है। तो उससे पहले मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं और आप लोगों ने मुझे उन सवालों के जवाब देने हैं। तभी मैं जो है ये अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ। जब मैं उसको सबक को शुरू करूंगी फिर मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगी। ठीक है, तभी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, जी। तो अभी हमने बेटा पढ़ा था कि हम जो है हम जहाँ रहते हैं, अभी हमने पढ़ा कि हम जहाँ रहते हैं उसे घर कहते हैं, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, यहाँ से हम ग्रोसरी खरीदते हैं, मार्केट होती है, और जहाँ से हम खाना खाते हैं या जहाँ पे हम जाकर रहते हैं जब हम कहीं सफर के लिए जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि जब हम जो जानवर और परिंदे हैं उनके भी घर होते हैं, और उनको हमने उनके घरों के जो है वो नाम भी पढ़े। ठीक है, तो अभी हमने बहुत ही सबसे अहम सवाल है, अभी मैंने देखना है, अभी हम 14 अगस्त भी थोड़े दिन पहले गुजरा है, तो अब मैंने देखना है कि आप सब जो हैं इसका जवाब जो है वो दे पाते हैं या नहीं दे पाते। ठीक है, तो अब मैंने देखना है कि आपने कितने वाले सवाल का जवाब आप दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इतना ही आपको ये पिक्चर जो है इतनी सी दिखाऊंगी। तो हमने पढ़ा सारे जानवरों परिंदों के अपने घर के बारे में पढ़ लिया। तो हम जहाँ रहते हैं, घर हमारा कहाँ पे है, किसी ना किसी शहर में है, किसी ना किसी गांव में है। तो जो वो शहर या जो वो गांव है वो किसमें है, पूरा जो हमारे पास ये जो पाकिस्तान, हानिया को समझ आ गया, शाबाश, वेरी गुड।
देखें, ये मैंने आपको तस्वीर दिखाई और देखें उसमें जो झंडिया लगी हुई थी, जो छोटे छोटे लगी हुई थी झंडिया, उससे ही बच्चों ने अंदाजा लगा लिया। शाबाश, वेरी गुड। मैं तो सोच रही थी आप तो क्लास में हैं तो शायद आपको ज्यादा मालूम हो, लेकिन आप सबने तो बहुत ही अच्छा, आपको पता है, शाबाश, वेरी गुड। तो अभी 14 अगस्त गुजरा है थोड़े दिनों पहले, तो किस किसने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया था और अपना जो है घर को झंडियों से सजाया था और खूब इंजॉय किया था? जी शाबाश। तो जी इसी तरह से जो पाकिस्तान है वो क्या है? पाकिस्तान भी हमारा घर है। जी शाबाश, वेरी गुड। पाकिस्तान भी हमारा घर है और हमारा जो है इसको मुल्क भी कहते हैं, वतन भी कहते हैं, ठीक है, देश भी कहते हैं, तो पाकिस्तान भी हम सबका घर है। तो अब हमने जो है पढ़ना है हमारे घर के बारे में, और अभी आपके नाम तो मुझे पता है, शाबाश, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अभी आपने मुझे साथ में ये भी बताना है कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? सूबे पता है आपको क्या होते हैं? सूबों का पता आपको? हम जहाँ कहते हैं इसको क्या कहते हैं? 4 सूबे हैं। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। और जो है इनके नाम आपको पता है? नाम भी पता है, वेरी गुड। क्या आप सुनते रहते हो ना? वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम रीडिंग करें तो आपने मुझे उसका नाम ही बता दिया, और उसके बाद आप छोटे बच्चे हो और आपने हमने मुल्क को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे उसकी खिदमत करनी है, सक्षम पढ़ेंगे इस सबक में कहानी के जरिए उन्होंने आपको बताया हुआ है, ठीक है? तो इसको हमने पढ़ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक काम दे देती हूँ, ताकि जब हम पढ़ाई शुरू करें, अगर हमारा वक्त जो है वो क्योंकि 9:19 हो गए हैं, 10 मिनट्स आर लेफ्ट, तो हमने क्या करना, उससे पहले मैं आपको एक एक्टिविटी दे देती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है? पंजाब में हम रहते हैं, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है? और आपने जब कभी 14 अगस्त के प्रोग्राम होते हैं या कोई फैंसी ड्रेस शो होता है या कुछ ट्रेडिशनल इस तरह का कोई फंक्शन हो रहा होता है, और अगर आप सारे बच्चों को याद हो तो हमारे स्कूल में जो है वो 23 मार्च का जो है वो प्रोग्राम हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर में, और उसमें हमने जो है एक था उसमें जो है वो बच्चों ने परफॉर्म भी किया था, और साथ में जो है हमने कुछ करेक्टर भी बनाए थे, और साथ में जो है चारों सूबों से बच्चियां बच्चे ड्रेसअप होके भी आए थे, ठीक है? अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आज आपने अपनी जो कॉपी है, हमने चिड़िया का घर का जो चिड़िया जो है उसके जो सवाल जवाब थे और जुमले सब कर लिए हैं, तो आज अपने जो कॉपी का पहला पेज होना है जिसपे आपने लिखना है पाकिस्तान हम सबका घर है, और उस पेज पे आपने जो है चारों सूबों के जो ड्रेसेस होते हैं या उनकी तस्वीरें होती हैं वो आपने लगानी है, ठीक है? और ये तस्वीरें जो है बहुत आसानी से, इसके जो पोस्टर है वो मुफ्त बुक शॉप से मिल जाते हैं, आपने उनकी ड्रेसेस तस्वीरें भी लगा लगा सकते हैं, और साथ में आप जो है चारों सूबों की तस्वीर भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी है, ये आपने करनी है, और कल मैंने फिर आप लोगों की कॉपीज है वो चेक करनी है और आपने मुझे दिखाना है, ठीक है? और साथ ही अगर आप भूल गया, अगर आप एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है तो बेटा मैं बिल्कुल नहीं भूली कि मैंने आपको एक्टिविटी दी हुई थी, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे जो है खुद इंटरेस्ट से जो है उसको दिखाते हैं कि टीचर हमने ये काम किया है। जी बेटा, मैं दोबारा बता देती हूँ, आपने अपना जो पाकिस्तान हम सबका घर लिखे, ठीक है, आपकी कॉपी के ऊपर पाकिस्तान हम सबका घर लिखे, उसमें आपने नीचे जो है चारों सूबों की जो है वो तस्वीर जो है उनके ड्रेसेस की, मुख्तलिफ जो चारों सूबों में कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं ट्रेडिशनल, उनकी आपने तस्वीरें लगानी है, और ये पोस्टर आपको बहुत आसानी से किसी भी शॉप से मिल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा चारों सूबों की भी तस्वीर आप लगा सकते हैं, और ये जो आप बुक के अंदर पीछे देख रहे हैं इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी हमारे पास जो है यहाँ पे उन्होंने ये न्यू एडिशन है बेटा, और इसके अंदर उन्होंने 4 सूबों के ही जिक्र किया हुआ है, ठीक है? तो अभी हमने इसको ही करना है,
जी आयशा बेटा, आपने उर्दू ए की कॉपी पे पाकिस्तान हम सबका घर है सबक का नाम लिख के नीचे आपने चारों सूबों के ड्रेसेस की तस्वीरें जिसमें बच्चों ने कपड़े पहने होते हैं अपने अपने सूबों के, उसकी आपने तस्वीरें जो है वो पेस्ट करनी है पहले पेज पे। अगर आप बुक तस्वीर बनाना चाहते हैं, बुक पे जो तस्वीर बनाना चाहते हैं ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने चारों सूबों के चार अपनी ड्रेसेस जो हैं वो चारों तस्वीरें लगानी है अपनी कॉपी में, पेस्ट करनी है पोस्टर्स जो कि बहुत आसानी से आपको किसी बुक शॉप से भी मिल जाएंगे, और अगर आप अखबार से काटना चाहें तो वहां से भी आप काट सकते हैं। ठीक है, आपको यकीन होमवर्क समझ में आ गया होगा। अभी आप सब लोग अपनी बुक्स खोलें पेज नंबर 47 पे, हम जो है पाकिस्तान हम सबका घर है इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। जी फ्लैग की पिक्चर भी आ सकते हैं, फ्लैग की पिक्चर भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है इसकी पढ़ाई जो है शुरू करेंगे, पाकिस्तान हम सबका घर है। ठीक है, गौर से आपने सुनना है, सब अपनी बुक्स खोलें और मैं पढ़ती जाती हूँ, आप लोग सुनते जाए। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान अलीगाता वगैरह में दाखिल हुआ। अम्मी ने झंडिया लगाते हुए, ठीक है, हंस कर देखा, अली आप 14 अगस्त मना रहे हैं? जी अम्मी, आज स्कूल में भी बहुत मजा आया। आज स्कूल में भी बहुत मजा आया, बहुत नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अली ने नारा लगा कर दिखाया। अम्मी ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगा लिया और पूछा, पाकिस्तान किसका नाम है? अली ने कुछ देर सोचा, पता नहीं अम्मी, बेटे ये बताइए हम कहाँ रहते हैं? अम्मी ने फिर पूछा, अपने घर में, अली ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक। मोहल्ले में और भी घर हैं, लेकिन हमारा घर यही है। इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं, लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है। और सिंध क्या होता है? अली ने पूछा। जिस तरह हमारे घर में कमरे हैं, इसी तरह हमारे मुल्क के चार सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। अली गौर से सुन रहा था, उसने पूछा, अम्मी हमारी प्रिंसिपल ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, हाँ जी बेटा, ये आपको जो मैंने काम बताया ये आपने बुक पे नहीं करना है, बुक पे बेटा कोई जगह नहीं जहाँ पे आप तस्वीरें लगाएं, आपने काम अपनी कॉपी पे करना है। और एक और बच्चा है वो बार बार मैसेज कर रहा है फ्राइडे के वर्क का, बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो काम आफ्टर योर पीरियड उसी टाइम मैंने उसको शेयर कर दिया था, तो आपको काम वहां से क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, पाकिस्तान हम सबका घर है। अब देखिए, अली गाता व घर में दाखिल हुआ, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको पता है कि जब हम किसी बाहरी कंट्री में जाते हैं या हम बाहर कहीं ट्रेवल करते हैं तो हम कहाँ से जो है वो हमें पहचाना जाता है, हम जब बताते हमें पहचाना जाता है कि हम पाकिस्तान से हैं, हमारे पासपोर्ट जो है पासपोर्ट पर जो है पाकिस्तान की जो है वो नाम होता है, पाकिस्तान का जो है तस्वीर होती है, और हम वहां से पहचाने जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बाहर जाके जो है हमारे नाम से हमें नहीं पहचाना जाता, जी ये नहीं कहा जाता कि ये जो है इसका ये नाम है और ये वहाँ के इसका यहाँ पे रहता है, ये नहीं आप बताते, बल्कि आप सब जो है आप सबकी पहचान क्या होती है, पाकिस्तानी, कि हम पाकिस्तान से हैं। तो आप देखिए, अली भी क्या गाना गाता आया, घर में दाखिल हुआ,
चुनाव वही पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि वो 14 अगस्त जो है वो मनाता आया था स्कूल से, तो अम्मी भी घर में झंडियां लगा रही थी। हम तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए अम्मी घर में झंडियां लगा रही है और अली भी उनकी मदद कर रहा है। ठीक है, तो जब वो आया तो उसने कहा कि अली आप 14 अगस्त मना रहे हैं। अम्मी उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ अम्मी आज स्कूल में भी बहुत मजा आया, हमने बहुत नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखें जब उसने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर अम्मी ने उससे अगला सवाल पूछा जो मैंने पहले ही आपसे पूछ लिया सब पढ़ने से, कि पाकिस्तान किसका नाम है, तो पाकिस्तान क्या है कि आप कहाँ रहते हैं। तो अली ने कुछ सोचा, अब वो नारे तो लगा के आ गया था लेकिन उसको पता नहीं था कि पाकिस्तान किसको कहते हैं। तो फिर आप देखिए अम्मी ने उसको समझाने के लिए कहा कि हम कहाँ रहते हैं, अब उसको ये तो पता था कि हम अपने घर में रहते हैं। और फिर अम्मी ने कहा बिल्कुल ठीक है, मोहल्ले में और भी घर हैं, आपके इर्द गिर्द यकीनन बहुत से और लोग रहते होंगे। तो लेकिन उसकी मामा ने कहा लेकिन हमारा घर यही है। अब देखें उसने पूछा सिंध क्या होता है, हो सकता है जब वो स्कूल में गया हो और प्रिंसिपल जो है वहां पर जब वो तकरीर करी हो तो उन्होंने सिंध का पंजाब का या बलूचिस्तान का नाम लिया हो, तो अब उसके जहन में था। तो चलो उसकी अम्मी ने कहा कि जैसे हमारा ये घर है इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं लेकिन हमारा क्या है पाकिस्तान। तो उसने पूछा कि सिंध क्या होता है, फिर उसकी अम्मी ने उसको बताया कि जिस तरह हमारे घर में कमरे होते हैं इसी तरह हमारे मुल्क के भी 4 सूबे हैं, उनके नाम क्या है सिंध बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। जी, और अली भी गौर से सुन रहा था। और फिर उसने अम्मी से पूछा कि अम्मी हमारे प्रिंसिपल ने अपनी तकरीर में क्या कहा कि हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है। तो खिदमत कैसे आप कर सकते हैं, हमारे पास 10-15 मिनट इस तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी मैं इसको जो है स्टॉप वीडियो वो करी हूँ। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन, आपको बता देती हूँ कि हम कैसे जो है छोटे बच्चे होते हुए आप कैसे अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है अपने आप अच्छे से पढ़े, अपने जिस तरह अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं इसी तरह अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना, स्टडी अच्छे से करना, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना और मिलजुल कर रहना, और जैसे हम अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनका भी ख्याल रखना, और अगर जो कोई हमें जो काम कहा जाता है उसको वक्त पर मुकम्मल करना, तो इसी तरह से हम छोटे बच्चे होते हुए भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमारा हाफ लेसन जो है उसकी रीडिंग हमने की है, हाफ इज लेफ्ट, और उसकी हम जो है वो कल रीडिंग करेंगे पेज नंबर 49 पे। ठीक है, उसकी हम रीडिंग करेंगे। आपने जो है जो मैंने आपको एक्टिविटी दी है, आप सबने 4 सूबों की तस्वीर जो है उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस की या सूबों की तस्वीरें जो भी आपको मिलता है आपने अपनी कॉपी में उसको लगाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।